दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स निकल कर आ रही है, बट आज मैं आपको एक ऐसी अपडेट बताने वाला हूं जो कि बहुत ही शानदार और एक तरह से एक्सक्लूसिव यानी आज आप पहली बार सुन रहे हो और इसके बाद आप हर एक तरीके से आज की वीडियो से कन्वेंस हो जाओगे। अब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि टीम इंडिया जो है एशियन गेम्स का फाइनल भी जीत चुकी होगी, तो गोल्ड हमें यहाँ पर मिल चुका होगा, उम्मीद यही करेंगे। हालांकि रिसेंटली अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पेल कर यानी हरा कर उलटफेर ज़रूर कर दिया था। तो कमेंट करके बता देना दोस्तों कि क्या यहाँ पर टीम इंडिया जैसे आगे पहुँची एशियन गेम्स में, क्या वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया अपनी ओरिजिनल वाली पहुँच पाएगी। वैसे शुभमन गिल अभी थोड़े बहुत है ना बीमार थे, उसके बाद अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन में है, तो शायद वो पहला मुकाबला खेल भी ले नहीं खेले, वो सब बात की बात है, आपको इंस्टाग्राम पर सब कुछ पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं आज की वीडियो की। अब इंस्टाग्राम और वर्ल्ड कप की बात चली रही है तो मैं आपको छोटा सा प्रमोशन भी बताई देता हूँ कि यार हमारे हम टेलीग्राम के ऊपर विन प्रिडिक्शन टॉस प्रिडिक्शन देते हैं, बिल्कुल फ्री है यार, और गिव अवेज भी चलते हैं। रिसेंटली हमने जो वर्ल्ड कप की जर्सी है उसका गिव अवे कर रहे हैं, तो फटाफट से पार्टिसिपेट कर लो, सब कुछ फ्री है, कहीं भी एक भी चार्ज नहीं है। और ये अगर आपका गिव अवे निकल जाता है तो इसके बाद हम मोबाइल कवर्स गिव अवे करेंगे टीम इंडिया की जर्सी को लेकर। सो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो अभी होने वाला है मिनी ऑक्शन और मिनी ऑक्शन में होने वाला है काफी सारा उलट फेर। काफी सारे लोगों को लग रहा था कि मिचेल स्टार्क के पीछे टीम केकेआर जाएगी, उसके अलावा और भी सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे खिलाड़ी जिनके पीछे टीम केकेआर जाएगी। जी हाँ दोस्तों जाएगी, ये बहुत सच बात है, बट मैं आप सभी को बता दूं एक अंडररेटेड खिलाड़ी यानी यंगस्टर खिलाड़ी टीम केकेआर उनके पीछे जाने वाली है, डेब्यू कर सकते हैं इस साल आईपीएल के अंदर। हालांकि T20 जो वर्ल्ड कप या फिर T20 फॉर्मेट आप कह लो उसमें इतना ज़्यादा एक्सपोजर इस खिलाड़ी का नहीं रहा है, हमेशा थोड़े पीछे ही रहे हैं, बट रिसेंटली जो वर्ल्ड कप था उसमें डेब्यू के अंदर इन्होंने सेंचुरी लगाई है। बात कर रहे हैं हम रचिन रविंद्र की, जो कि यहाँ पर दोस्तों केवल और केवल 23 साल के हैं और केकेआर टीम जानी जाती है यंगस्टर्स के लिए। अब ये अकल जो केकेआर लगा रही होगी रचिन रविंद्र उनको लेने के लिए, तो एक और टीम है जो यंगस्टर्स के लिए जानी जाती है, वो है यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम। हालांकि मुंबई की टीम इतना उनके पीछे नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी वो आने वाले 4 से 5 साल के लिए टीम ऑलरेडी बिल्डअप कर चुके हैं। अब टीम केकेआर को रचिन रविंद्र से कुछ फायदे होने वाले हैं। एक फायदा तो ये होगा कि उनको लेफ्टी स्पिनर मिल जाएगा, यानी जो ब्रेड हॉग वाला जो काम वो करते थे वो कर देंगे। इसके अलावा एक नंबर 3 नंबर 4 के ऊपर एक बहुत अच्छा बैट्समैन मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर नंबर 3 नंबर 4 ऑलरेडी टीम केकेआर के पास बहुत मजबूत है, बट यार ऑलरेडी आप जानते हो कि वो 23 साल के हैं, शुरुआत में आते ही शायद ना खेल पाए, 1-2 साल उनको बेंच पर बैठा रहना पड़ेगा। बट हाँ सुनील नारायण है, उसके अलावा अगर 1-2 चीज़ें जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो ऊपर नीचे होंगे तब ज़रूर यहाँ पर उनको सुनील नारायण का बैकअप बना के लाया जा सकता है। बैकअप बॉलिंग में तो वो नहीं बन सकते हैं क्योंकि सुनील नारायण GOAT हैं, बट यार अगर बात करें तो अभी सुनील नारायण फीके फीके से रह गए हैं, तो रचिन रविंद्र यहाँ पर काफ़ी कम पैसों में टीम केकेआर के अंदर आ भी जाएंगे और डिलीवर भी कर पाएंगे और काफ़ी कुछ उनको सीखने को भी मिलेगा। सो मेरी चॉइस बहुत अच्छी है कि अगर A1 क्वालिटी प्लेयर हैं अगर रचिन रविंद्र को टीम केकेआर खरीद लेता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि रचिन रविंद्र आपको कैसा लगता है, कि क्या वो टीम केकेआर में कुछ आके धमाका करेंगे, या आज आप पहली बार इस खिलाड़ी का नाम सुन रहे हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना।